इंग्लिश में एक शब्द है आपका अटेंड, ATTEND, अटेंड। तो इस वीडियो में अटेंड को हिंदी में क्या बोलते हैं और इंग्लिश में क्या अर्थ और मतलब होता है दोनों में जानेंगे, एग्जाम्पल से सेंटेंसेस में शब्द को यूज करके अच्छी तरह से समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं क्या मतलब होता है अटेंड का। देखिए सबसे पहले तो जानिए अटेंड जो है वर्ब है इंग्लिश पार्ट्स ऑफ स्पीच में, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। इसका सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल आएगा इसका अटेंडेड। तो क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म अटेंड, सेकेंड फॉर्म अटेंडेड, थर्ड फॉर्म अटेंडेड। तो अटेंड, अटेंडेड, अटेंडेड। क्या मतलब होता है अटेंड का? देखिए अटेंड का मतलब होता है किसी समारोह में या जगह पर जाना या शामिल होना, भाग लेना, हाजिर होना, उपस्थित होना, हाजिरी लगाना, ध्यान केंद्रित करना, खबर लेना, मतलब अटेंड। इंग्लिश में इसके सिनोनिम्स आते हैं बी प्रेजेंट, गो टू, विजिट, बी एट, बी हियर, बी देयर, अपीयर एट, टेक पार्ट इन, पे अटेंशन टू एंड इट इज, मतलब और भी इंग्लिश में इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं अटेंड के। एग्जाम्पल से सेंटेंसेस में समझते हैं शब्द को अच्छी तरह से, जिससे बोलेंगे आम बोलचाल में तो इस तरह से शब्द को प्रयोग करेंगे हम लोग, ही इज द फर्स्ट चाइल्ड इन हिज फैमिली टू अटेंड द कॉलेज, मतलब वो अपने परिवार में कॉलेज जाने वाले पहले बच्चे हैं। दूसरा एग्जाम्पल, ही डिड नॉट अटेंड द मीटिंग यस्टरडे, मतलब उन्होंने कल बैठक में भाग नहीं लिया, बैठक में शामिल नहीं हुए। तो अटेंड का मतलब भाग लेना, शामिल होना, हाजिर होना, हाजिरी लगाना। ठीक है, तो मैंने अपने अटेंड शब्द को हिंदी और इंग्लिश में एग्जाम्पल के साथ में अच्छी तरह से समझ लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।